वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने जेपीएससी विवाद के साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही विधायकों और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने तीसरे मोर्चे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वही चाहते नहीं क्या सही सलामत हो? हम तो बार बार कहते हैं, जब परिवार और पैसे के लिए जब लोग राजनीति करेंगे तो ये सारी गड़बड़ियां हो। और जेपीएससी में ऐसा व्यक्ति को बिठा रखा है, बताइए भाई, इनके सारे लोग 1932 की बात करते हैं, जेपीएससी के चेयरमैन कौन से 1932 के व्यक्ति है भाई? तो किसको ये लोग बेवकूफ बनाता है? जेपीएससी एक संवैधानिक विद्यालय नियुक्ति निकाल करके लोगों को काम पे रखा और गए भी। इस सरकार ने जो पिछले गवर्नमेंट में जब परीक्षाएं ली गई थी तो उसके रिजल्ट को लेकर के बराबर एक सरकार जो है कटघरे में खड़ा करती थी, लेकिन सरकार जैसे ही बनी उनका नियुक्ति घोषणा करके उनको फिर आगे ले लिया। अभी क्या है कि अभी कोर्ट ने किया है तो उनके लिए आगे कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं और जेपीएससी को भी एक बार थोड़ा अपना विचार जरूर करना चाहिए। अब उनका अपना एजेंडा है, कौन सा एजेंडा है, कैसे है, और बहुत ही सीनियर राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर भी हैं, तो इनको पहले सोचना चाहिए कि जिन दलों को लेकर ये तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, उन दलों के लोग पहले अपने दलों को तो छोड़े, अपने एक दल में रहकर और फिर तीसरे मोर्चे का गठन, ये तो नया ये देख रहे हैं। और तीसरा मोर्चा बनाने का, सभी को मोर्चा बनाने की स्वतंत्रता है, स्वागत करते हैं हम। माथो जी नेता है ना विधायक दल के, इस मोर्चा के, तो इसके बारे में तो वही बात करेंगे, वो बात करेंगे, अकेले जाके बात करें, लगे कि हम लोग भी चले तो हम लोग को भी ले जाएंगे, उनके ऊपर निर्भर करता है, आएंगे तो उनसे पूछ लेना बेहतर होगा इस बार। और निश्चित रूप से ये चूंकि नियम विरुद्ध हुआ, हम लोगों ने सदन और सदन के बाहर इसको लेकर सरकार के ध्यान आकर, सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और इसका कारण यही था कि कुछ लोग शामिल थे उसमें, और ये मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट तो नियम देखता है, नियम का अगर उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट उस पर कार्रवाई करती है।